हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस पूरे सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि 10 मार्क्स तक भी एग्जाम में कवर कर सकता है, इंक्लूडिंग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एमसीक्यू में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, 2-2 मार्क्स के भी, एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इसमें बड़ा क्वेश्चन आता ही है। सो गाइज, ये चैप्टर बिल्कुल नया ही एक्ट है, देखा जाए तो 2016 में ऐड हुआ है, एंड धीरे धीरे इसमें अभी भी इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं, अभी भी नई चीज़ें इसके अंदर एड ऑन की जा रही है, जो कि जैसे कंपनी एक्ट में भी था कि 2013 में आने के बाद भी उसके रूल्स एंड उसके सेक्शंस काफ़ी ज़्यादा अपडेट किए जाते रहते थे फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो गाइस, इसके अंदर ये पहली वीडियो है, इसके अंदर आई एम गोइंग टू जस्ट इंट्रोड्यूस द चैप्टर, कि ताकि आपको पता हो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या आप करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आपके सामने आएंगी। एक माइंड मैप ऑलरेडी आपके पास होगा तो इस चीज़ों को समझना और करना थोड़ा आसान हो जाता है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंसॉल्वेंसी होता क्या है, अगर बिल्कुल लेमन टर्म्स में इसको बोलूँ तो आपने किसी से उधार लिया है और आप उसको नहीं दे पा रहे हैं, दैट्स लाइक बींग नॉट एबल टू पे ऑफ योर डेट्स। तो उस केस के अंदर आप अगर इंडिविजुअल हैं तो आपके लिए बैंकरप्सी आ जाएगा, और अगर आप एक कॉरपोरेशन हैं तो उसके अंडर आ जाएंगे आप लिक्विडेशन के अंडर। अब बैंकरप्सी में क्या होता है कि आपके जितने भी एसेट्स हैं वो सब के सब आपके पास से छीन लिए जाते हैं और वो यूज़ होते हैं पे ऑफ करने के लिए आपके क्रेडिटर्स को। सो गाइज, दिस इज़ द एंटायर इंसॉल्वेंसी जो कि है। अब पहले क्या होता था कि कोर्ट के अंदर आपको अलग से जाना पड़ता था, सारे प्रोसीजर्स अलग अलग ढंग से किए जाते थे, तो उस चीज़ में बड़ा ही हैसल हो जाता था। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया, एक अलग से अथॉरिटी क्रिएट की गई, जिसके बेसिस पे आप वहाँ जाके आपका वन प्लेस डेस्टिनेशन आपके लिए क्रिएट कर दी गई, जैसे कि आप अपने सारी प्रॉब्लम्स को वहाँ पर उस मैनर में सॉल्व कर सकें। सो अगर यहाँ हम देखें तो इंस्टीट्यूट ने बड़ा अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि इंसॉल्वेंसी को कहा जाता है इंडिविजुअल्स के लिए बैंकरप्सी एंड ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेशन के लिए कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। अब अगर इसमें क्या होता है, ये जो प्रोसेस है इंसॉल्वेंसी का, उस प्रोसेस का मतलब है कि आपके एसेट्स को रियलाइज करने की कोशिश की जाती है और आपके क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया जाता है। बट इन केस अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता तो इंडिविजुअल कहलाता है बैंकरप्ट एंड कंपनी चली जाती है लिक्विडेशन में, जिसमें और कोई चारा नहीं बचता, कंपनी के बिजनेस को बंद करना पड़ता है, सारी एसेट्स को सेल करना पड़ता है, एंड सारे क्रेडिटर्स को उस प्रोसीड से पे ऑफ करना पड़ता है। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क। अब यहाँ पर कुछ एक रिलेशनशिप दिया गया है बिटवीन बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन। सो बैंकरप्सी का जैसे मैं आपको बताया कि वो वही है कि आप पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं अपने क्रेडिटर्स को, एंड लिक्विडेशन की अगर हम बात करें तो लिक्विडेशन इनिशिएट किया जा सकता है किन के थ्रू, रेगुलेटरी बॉडीज़ लिक्विडेशन इनिशिएट कर सकती है कंपनी के अगेंस्ट, डायरेक्टर्स होता कंपनी खुद, या फिर शेयर होल्डर्स एक रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हैं कि ठीक है यार, अब कोई रास्ता नहीं बचा, कंपनी को लिक्विडेट ही करना पड़ेगा, या फिर आपके अनपेड क्रेडिटर्स भी लीगल तरीके से आपको लिक्विडेट करवा सकते हैं अंडर दिस एक्ट। सो गाइज, आगे चलें तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं कि क्यों IBC लाया गया। एक 2016 से पहले भी ये सब हो रहा था, तो IBC लाने का पर्पज़ क्या था? तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स अच्छे मैनर में यहाँ पर रिजॉल्व किए जा सके, उनको हैंडल किया जा सके बिटवीन क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। सो अगर कोई क्रेडिटर आपके क्रेडिटर्स हैं, आपको उनको पैसे देने हैं, आप टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं, तो अलग अलग जगह पे वो अपना प्रोसीडिंग डालेंगे। फिर कुछ और कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं उसके अलावा भी, फॉर एग्जांपल आपके और आपके ब्रदर की एक लैंड है जिसको आप को ऑन करते हैं, बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, उस लैंड के बेसिस पे आपने लोन लिया हुआ था, या फिर आप बिजनेस रन कर रहे थे जिसमें आपके क्रेडिटर्स क्रिएट हुए, सो नाउ देर विल बी अ डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड योर ब्रदर ऑल्सो। तो इन सब चीज़ों को वन प्लेस पे रखने के लिए, आपको सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया। सेकेंड पॉइंट है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यू, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी पार्टीज़ होती हैं, क्रिएटर्स होते हैं, उनकी कमिटीज़ एस्टेब्लिश होती हैं जिसमें जितने भी क्रिएटर्स हैं आपके वो साथ मिलके बैठते हैं, आप खुद होते हो उसके अंदर, और आपका इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है, आप मिलके डिसाइड करते हैं पूरी की पूरी वैल्यूएशन को कि क्या वैल्यू होने वाली है, किस ढंग से उसको सेल किया जाएगा, किस ढंग से आपको रिकवरी मिलेगी उन चीज़ों की। तो उसकी वजह से इसमें एक प्रॉब्लम नहीं आती चीज़ों के अंदर, एक रिस्क नहीं रहता कि डीवैल्यू ना हो जाए चीज़ें, प्रॉपर वैल्यूअर अपॉइंट किए जाते हैं जो वैल्यूएशन करके देते हैं कि कितने में बिकेगी, और उसको उस अकॉर्डिंगली सेल करके लिक्विडेट करके पेमेंट की जा सकती है क्रेडिटर्स को। उसके बाद गाइस हमारे पास आता है कि ड्राइंग ऑफ अ लाइन बिटवीन मॉलफिसेंस एंड बिजनेस फेलियर, यानी कि अब एक बात होती है कि सिंपल सा अगर आप कॉन्सेप्ट देखें कि कंपनी लॉस कर रही है,
तो उसमें दो ही सर्कमस्टांस हो सकते हैं, या तो आपका बिजनेस रन नहीं हो पा रहा, आपके कॉम्पिटिटर्स ने ओवरटेक कर लिया, आप अच्छे से परफॉर्म आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे अपने कॉम्पिटिटर्स को, या दूसरी चीज़ हो सकती है कि आपके अंदर का ही कोई इंसान है, वो कहते हैं ना घर का भेदी, तो आपके अंदर का ही कोई इंसान है जो कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, मॉलफिसेंस हो सकता है, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपका बिजनेस कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है, हैम्पर हो रहा है, जिसमें प्रॉब्लम आ रही है। सो इसका पर्पज़ ये है कि उसको भी अकाउंटेबल ठहराया जा सके, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रमोटर है जिसने कंपनी को खड़ा ही फ्रॉड करने के लिए किया था, लोगों को डिसीव करके पैसा कमाने के लिए किया था, तो उस केस के अंदर उसको भी अकाउंटेबल तैयार खड़ा करा जा सके, रादर देन कि वो अपनी कॉर्पोरेट वेल के पीछे छुपने की कोशिश ना करे। सो दिस इज़ द रीज़न कि इस एक्ट को यहाँ पर प्रिपेयर किया गया। अब एक बात आती है क्लियरली एलोकेट करना मैक्रो इकोनॉमिक डाउनटर्न को। तो गाइज मैक्रो इकोनॉमिक डाउनटर्न को आप एक तरह से इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। तो उस केस के अंदर क्या होता है कि अगर आपके कोई भी लॉसेस हो रहे हैं कंट्री के अंदर भी, अगर कंट्री के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो उसके अंदर कि टैक्सेस के फॉर्म में टैक्सेस इंक्रीज हो सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, करेंसी की वैल्यू गिर सकती है, एक्सप्रोप्रिएशन हो सकता है, वेजेस और कंजप्शन का सप्रेशन हो सकता है। तो इन चीज़ों को प्रॉपर ढंग से एलोकेट करा जा सके, पता लगाया जा सके कि ये चीज़ें हो किस रीज़न से रही है, क्योंकि अगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर पैसा ही नहीं है रीपे करने के लिए, तो ये चीज़ें किसी ना किसी को बेयर करनी पड़ती है, उनको भी बेयर करनी पड़ जाती है ये लॉसेस जो इसके भागीदार है ही नहीं, जिनका बनता ही नहीं उस चीज़ को लॉस को बेयर करना। तो उस चीज़ को एक्चुअल जिसके पास एलोकेट होना चाहिए उस पर एलोकेट हो सके, इस वजह से इस एक्ट को भी बनाया गया। ये जो जितने भी चीज़ें हैं ये पूरा स्ट्रक्चर है इस कोड का, इसके अंदर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस आएंगी, एप्लीकेशन आएगी कि किस किस पे एप्लीकेबल होता है, और इसका एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट आने वाला है, यानी कि डेट्स एंड इसका वो सब चीज़ें कि कहाँ कहाँ पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है या फिर जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता या जो भी है। एंड उसके बाद इसकी एप्लीकेबिलिटी आएगी कि किन किन लोगों पे एप्लीकेबल है, किन किन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे ये एप्लीकेबल नहीं होता, दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल ऑन कॉर्पोरेशंस, LLPs, इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड इन सब चीज़ों पे। उसके बाद हम देखेंगे इसके प्रोसेस स्टार्ट होगा, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। उस प्रोसेस के अंदर हम देखेंगे प्रिलिमिनरी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, लिक्विडेशन प्रोसेस, यानी कि सबसे पहले हम अपॉइंट करते हैं, जैसे कि इसमें अगर फॉर एग्जांपल को बता दूं, सबसे पहले कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर्म होती है, वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अपॉइंट करते हैं एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, एंड वो मिलकर प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है। अगर वो प्रोसीडिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती तो कंपनी चली जाती है लिक्विडेशन में, एंड देन लिक्विडेशन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो ये सारे प्रोविजन हम यहाँ पे आगे डिटेल में देखने वाले हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट, यहां पर अगर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो आपको काफी अच्छा आइडिया लग जाएगा। उसके बाद गाइस आता है कि इसकी फाउंडेशन क्या है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसके बारे में मैं बात करूं तो अगर फाउंडेशन की बात करें तो यह कुछ ऐसा होता है, इसके चार पिलर्स हैं, पिलर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ये चार ऐसे पिलर्स हैं जिनके ऊपर पूरा का पूरा IBC खड़ा है, यानी कि पूरा का पूरा IBC इनके ऊपर रिलाय करता है। तो नंबर 1 हमारे पास गाइज आने वाला है कि एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये जो है ये सारी प्रोसीडिंग्स को डील करेगा, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास आएगा यहाँ पर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI भी जिसको हम इन शॉर्ट बोलेंगे, ये मॉनिटर करेगा, ये रेगुलेट करेगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को। और अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की बात करें तो वो बन जाता है हमारा थर्ड पिलर, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस को एक तरह से अपने कंधों पर रखकर चलाते हैं, इनके बेसिस पे ही, इनके बिना कोई भी इंसॉल्वेंसी का प्रोसीजर कंक्लूड नहीं किया जा सकता। एंड उसके बाद लास्ट में आएगा हमारे पास इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में गाइज पूरे के पूरे डेट की इन्फॉर्मेशन होती है, कितना पैसा आप किसको ओन करते हैं, एंड उसका एक प्रूफ रहता है आपके पास। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी से डाटा उठा के आप एक तरह से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में यू ओ हाउ मच मनी टू समवन, तो एक ये प्रूफ रहता है। तो सबसे पहले NCLT के पास सारी प्रोसीडिंग्स होंगी, ये जो है उनको रन करेगा जो प्रोसीडिंग्स में हेल्प करेंगे, और उसके बाद हमारे पास आगे प्रोसीडिंग में हेल्प करने वाले, और जो हेल्प करने वाले हैं उनको डाटा चाहिएगा, और वो डाटा कहाँ से आएगा, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी से। सो दीज आर 4 पिलर्स गाइस जिसके बेसिस पे पूरा का पूरा IBC टिका हुआ है। आगे चलें तो लेट्स सी कि ये प्रोसेस होता कैसे है। फॉर एग्जांपल कोई एंटरप्राइज है, अब उस एंटरप्राइज को हमने सब कुछ इस पे इंक्लूड कर दिया, एक इंडिविजुअल भी डाल दिया इसमें, एक फर्म भी डाल दी और एक कॉर्पोरेट पर्सन भी डाल दिया। अब ये कुछ डिफॉल्ट करते हैं,
तो क्या होगा, कंट्रोल जो होगा पूरे एंटरप्राइज का, डिफॉल्ट किस चीज़ का हुआ, पेमेंट नहीं कर पाया टाइम से क्रेडिटर्स को, तो उस केस के अंदर पूरा का पूरा जो कंट्रोल है इनका वो गाइस शिफ्ट हो जाएगा और वो चला जाएगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास। उसके बाद वो प्रपोजल बनाएंगे, वो डिसाइड करेंगे मीटिंग के अंदर कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो दो काम ये कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ या तो वो उस रिवाइव करेंगे उस एंटरप्राइज को, उसको बिजनेस को एक बेटर मैनर में एक बेटर मैनेजमेंट के साथ रन करने की कोशिश करेंगे ताकि रेवेन्यू से उनका जितना भी डेट है वो रिकवर हो सके। बट इन केस अगर वो पॉसिबल नहीं लगता, उनको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उनका डेट क्लियर होता हुआ नहीं दिखेगा, तो दे विल गो फॉर लिक्विडेशन, जहां पर उनकी सारी एसेट्स को लिक्विडेट किया जाएगा और सारे के सारे क्रेडिटर्स को रीपे किया जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर कुछ प्रोविजंस आ गए हैं, ये जो प्रोविजंस हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं क्या क्या होगा इसके अंदर। एक फ्लो अगर आपको बताऊँ इसका मैं, तो हाउ दिस इज़ गोइंग टू वर्क, तो जो जो मैं बता रहा हूँ उसको हाईलाइट करते रहें साथ साथ। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सबसे पहले अपॉइंट किया जाएगा, ओके अब उसके बाद वो रेजोल्यूशन प्रोसेस जो प्रोफेशनल होगा उसका काम ये होगा कि उसको इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को इनिशिएट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा, रीपेमेंट प्लान क्रिएट किया जाएगा, कंपनी की सारी असेट्स की लिस्ट सामने रखी जाएगी, उसकी वैल्यूएशन की जाएगी और उन सब के बेसिस पे एक रीपेमेंट प्लान होगा कि कौन सी एसेट किस मैनर में सेल हो सकती है और कितना पैसा उससे आएगा और कितना पैसा उन क्रेडिटर्स को हम दे पाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कि उस कंसेंसस के बाद रीपेमेंट, अगर पेमेंटी ऑफ क्रेडिटर्स ने और सबने उसको प्रीपेमेंट प्लान को एग्री कर लिया, उनको लगा कि हाँ ये सब कुछ सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके बेसिस पे आगे फिर उस चीज़ को डिस्चार्ज करा जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाया, वो रियलाइज़ नहीं कर पाया उस पेमेंट को, तो गाइज उस केस के अंदर बैंकरप्सी की एप्लीकेशन दी जाएगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, जो कि यहाँ पर बनता है NCLT। उसके बाद हमारे पास आएगा और वो बैंकरप्सी का ऑर्डर इनके लिए पास कर देगी, तो वो बैंकरप्ट बन जाएगा। अब जो बंदा बैंकरप्ट हो गया, यानी कि सबसे पहले उन्होंने ट्राई किया कि एक रिपेमेंट प्लान बनाते हैं, रिपेमेंट प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो ऑब्वियसली हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा रादर देन उसको बैंकरप्ट करने के। बैंकरप्ट करने के बाद क्या होगा कि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो एज अ ट्रस्टी पूरे की पूरी उसकी एसेट्स को टेक ओवर कर लेगा और उसको लिक्विडेट करेगा और क्रेडिटर्स को रीपे करेगा और बैंकरप्ट को मिल जाएगा डिस्चार्ज ऑर्डर। गाइज अगर इसको मैं रिलेट करूं कंपनी एक्ट के अंदर, जहां हमने डिस्क्वालिफिकेशन देखी थी, तो हर जगह हमारे पास डिस्क्वालिफिकेशन में एक चीज़ आती है जहां लिखा होता है ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, तो वो यही है। यहां पर डिस्चार्ज ऑर्डर दिया गया है, अगर किसी को ये डिस्चार्ज ऑर्डर नहीं दिया जाता, यानी कि उसने पूरे के पूरे पैसे रीपे नहीं किए हैं, तो ही इज़ कॉल्ड अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, जो कि अगर वो इंसान अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा बहुत सारी जगह पर अंडर द वेरियस एक्ट्स। तो अगर आपने कंपनी एक्ट पहले पढ़ा है तो आप इस पॉइंट को डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे, एंड काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर साथ में रिलेट करने के लिए। उसके बाद जो डिस्चार्ज ऑर्डर होगा वो रजिस्टर भी किया जाएगा अंडर द कोड। सो गाइज दिस इज़ द एंटायर फ्लो। सो सबसे पहले इंसॉल्वेंसी के लिए हमने डिसाइड किया, एक प्रोफेशनल अपॉइंट किया, उसने कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स और डेटर्स के साथ मिलकर एक मीटिंग करी, उस मीटिंग में डिसाइड हुआ रीपेमेंट प्लान के बारे में, अगर प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो उसको बैंकरप्ट कर दिया गया, अगर बैंकरप्ट हो गया है तो उसको डिस्चार्ज ऑर्डर भी पास हो जाएगा जो कि रजिस्टर होगा हमारे IBBI बोर्ड के पास। तो ये हमारा जो सेकेंड पिलर था उसका काम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कोड के बारे में बताया गया है कि ये पूरी इंडिया पे एक्सटेंड होता है, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर ऑब्वियसली। एंड यहाँ पर इसके बारे में बताया कुछ अमेंडमेंट जो आई हैं, तो ये इतना रेलिवेंट नहीं है। इस बार की एक अमेंडमेंट है गाइज जो कि बहुत रेलिवेंट है, जो अप्रैल 2021 में आई है, जिसके अंदर एक नया प्रोसीजर ऐड किया गया है, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर, जो कि है MSMEs के लिए या स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए। तो ये थोड़ा सा कंबरसम तरीके से उनको ना जाना पड़े, उनके लिए चीज़ों को थोड़ा आसान बनाने के लिए एक आसान तरीका उनके लिए क्रिएट किया गया है, तो वो यहाँ पर इस तरीके से है। अब अगर एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो उसके लिए हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 2, और एप्लीकेबिलिटी के अंदर गाइज आता है कंपनीज एक्ट के अंदर, कोई भी कंपनी जो कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है। उसके बाद हमारे पास आती है कोई स्पेशल एक्ट के अंदर गवर्न है अगर, उसके बाद कोई LLP, बॉडी कॉर्पोरेट, पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स, यानी कि किसी कंपनी के लिए किसी ने गारंटी दी हुई है और वो कंपनी रीपेमेंट नहीं कर पाई, तो जिसने गारंटी दी है वो भी इस एक्ट में कवर्ड है। पार्टनरशिप फर्म्स, इंडिविजुअल्स, यहां पर एक बात बहुत ध्यान से देखने की गाइज ये है कि किस किस पर ये एक्ट अप्लाइड नहीं होता। तो अगर उनकी हम बात करें तो वहाँ पर हमारे पास आएगा फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स। गाइस फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। उनमें कौन कौन आएंगे? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, ARC यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एंड हमारे पास म्यूचुअल फंड्स, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड पेंशन फंड्स।
सो दिस इज़ द बेसिक गाइज. मैंने आपको बताया कि CIRP होता क्या है, यानी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. किसी ने पेमेंट नहीं कर पा रहे आप क्रेडिटर्स की, तो उस केस के अंदर आपके ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे. एंड एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आएगा जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के साथ बैठेगा, रीपेमेंट प्लान बनाएगा, उसका रीपेमेंट किया जाएगा. नहीं हो पाया तो वो बैंकक्रप्ट हो जाएगा. इंडिविजुअल होता है बैंकक्रप्ट, कंपनी होती है लिक्विडेट. तो ये एक छोटा बेसिक पार्ट है जिसको हम पूरा डिटेल में आगे इस चैप्टर में करने वाले हैं. बाकी अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊं तो यही है पूरा चैप्टर के अंदर. इसी के अराउंड सारे के सारे प्रोविजन, सारे के सारे एक्ट हमें, सारे के सारे सेक्शंस हमें आगे मिलने वाले हैं. सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन टू IBC गाइज, एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो. एंड बी श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.